أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سامعيني محترم खुदा बंदे खुदस का लाख हहसान है कि उस मालिक दो जहाँ ने हमें एक मरतबा फिर इस बाज़्ज़त बामत और रहमतों और बरकतों वाले महीने में अपनी रहमतों और बरकतों को समेटने का मौका अदा किया ये वो माह मुबारक है कि जिसके आने से पहले रसुल खुदा सल्ह सरशाद फरमाते हैं कि अ लोगों तुम्हारी तरफ रहमतों और बरक़तों वाला महीना आ रहा है ये वो महीना है जिसमें तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं ये वो महीना है जो तमाम महीनों से अफजल है जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से अफजल हैं। जिसके दिन दूसरे महीनों के दिनों से अफजल हैं जिसकी घड़ियां दूसरे महीनों की घड़ियों से अफजल हैं ये ऐसा महीना है कि जिसमें में खुदाबंदस ने तुम्हें अपने मेहमान नवाजी में बुलाया है ये ऐसा महीना है कि जिसमें तुम्हारे आमाल कबूल किए जाते हैं तुम्हारी दुआएं मंजूर की जाती हैं ये ऐसा महीना है कि जिसमें सांस लेना तस्बी और सोना इबादत शुमार होता है इस कदर बाबरकत और फजीलत वाला महीना है ये क्यों इसलिए कि इस माह मुबारक को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है अल्लाह इशात फरमाता है शाहरुल्ल ये महीना मेरा महीना है वैसे तो सामीन ने मोहतरम तमाम अय्याम खुदा के बनाए हुए हैं तमाम औकात खुदा के बनाए हुए हैं तमाम दिन खुदा के बनाए हुए हैं तमाम महीने खुदा के बनाए हुए हैं लेकिन इस माह में ऐसी क्या खासियत है कि अल्लाह ने इसे अपने लिए मनतखब फ़रमाया अल्लाह फरमाता है ये रमज़ान मेरा महीना है इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिसे अल्लाह फरमाता है कि ये रमज़ान का महीना मेरा महीना है तो अजीज़ वन मोहतरम सबसे पहली ख़ासियत इस महीने की ये है कि इस माह में कुरान का नज़ुल हुआ अल्लाह कुरान मजीद में शाद फरमाता है रमजान अल्लाजी, उन जिला फ़ेल कुरान ये वो महीना है जिसमें हमने क़ुरान को नाजिल किया ये वो महीना है जिसमें क़ुरान को उतारा गया और दूसरी फजीलत इस माह की ये है कि अल्लाह अल्लाशात फरमाता है सुर कद्र में जो मैंने आपके सामने तिलावत तो की इन्ना अनजल ना हूँ फ़ी लई लतर वमा अदरवा कमा लई लतद्र लई लतुल्क़द्र खरुमिनफिशाह इस महीने की एक रात है जो हज़ार महीनों से अफजल है इस कदर बाबरक़त महीना है ये कौन सी रात है ये शब कदर की रात है अल्लाह फरमाता है इन्ना अनजल ना हूँ हमने उसे नाजिल किया आयत शुरू हो रही है सूरत शुरू हो रही है अल्लाह ने किसी चीज़ का तस्करा नहीं किया किसी चीज़ का नाम नहीं लिया कि हमने किसे नाजिल किया वक्त अल्लाह ने कहा इन्ना अन ना हूँ हमने उसे नाजिल किया तो मासूम फरमाते हैं कि जहाँ पे अल्लाह बात को मुबह छोड़ दे तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा मायने इस्तेमाल हो सकते हैं हमारी छठे इमाम इमाम जाफ़र सादि के फ़रमाते हैं कि मुफजल इब उमर से रिवायत है मानन अखबार इसमें मुफजल इबन उमर से रवायत है कि हमारे छोटे इमाम जाफ़िर सद इस्लामी शाद फ़रमाते हैं कि इस शब क़दर में कुरान के अलावा भी एक चीज़ को उतारा गया तो जब मौला से पूछा कि मौला क़ुरान के अलावा कौन सी चीज़ नाजिल हुई तो मौला फरमाते हैं नाजलाफी हिलायत अली जिबन अभी तालब इस रात में अली जबन अभी तालब की विलायत नाजिल हुई तो शब क़दर की ना रत इस अफजल है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ इसलिए अफजल है कि विलायत अली जिब ने अभी तालीम नाजिल हुई तो सामीन मोहतरम सुर कद्र की पहली आयत इन्ना अनजल ना हूँ अल्लाह फरमाते हमने उसे नाजिल किया नाम नहीं लिया हमने उसे नाजिल किया एक नजूल ये है और फिर आगे बढ़ के अल्लाह अल्ला फरमाता है तनज़ जल्माई का तो वर रूह हो कि इस रात में फ़रिश्ते और रूह नाजिल होती है किस लिए नाजिल होते हैं फ़ीहा इस रात में नाजिल होते हैं मिनकुल्ले अमरे अमूर लेकर नाजिल होते हैं इस रात में फ़रिश्ते और रूह अम्र लेकर नाजिल होते हैं तो सामिने मोहतरम क्या ये फ़रिश्ते दरियाओं पर नाजिल होते हैं क्या ये फ़रिश्ते पहाड़ों पर नाजिल होते हैं क्या ये फ़रिश्ते दरख्तों पर नाजिल होते हैं क्या ये फ़रिश्ते हवाओं पर नाजिल होते हैं नहीं अल्लाह क़रने मजीद में इशात फरमाता है तनज़्लमलाई का तबिर रूही मिन अम्रही अलामन शाह उमिन इबादे अल्लाह फ़रिश्तों को और रूह को नाजिल करता है अपने मुंतब करदा बंदों पर तो सामिन मोहतरम इसका मतलब वाज हो गया ये कुरान की आयत ये कुरान की सूरत हमारे वक्त के इमाम की वजूद पर बहुत बड़ी दलील है अल्लाह फरमाता है कि हम फरिश्ते और रूह को नाजिल करते हैं अपने मुंतब बंदों पर और यही बात सुर कदर में अल्लाशात फ़रमाता है तनज जलमलाय का तो वर्रुह हो फ़ीहा बिजन कुल्लेमर सलाम के ये फ़रिश्ते और रूह नाजिल होते हैं अल्लाह की तरफ से उमूर लेकर तो किस पे नाजिल होते हैं अल्लाह के मंतब बंदों पर तो जब तक शब कदर बाकी रहेगी जब तक फरिश्ते नाजिल होते रहेंगे इसका मतलब वाज है कि कोई ऐसा खुदा का मंतख नुमाइंदा है जो इस हस्ती में जो इस वजूद में कायन में इसका वजूद मौजूद है और वो हमारे वक्त के इमाम हैं अजीज़ा ने मोहतरम ये रात इसीलिए अफजल है कि ये रात मंसूब है नज़ुल कुरान से ये रात इसलिए अफज़ल है कि ये नज़ुल क़ुरान से मंसूब है ये रात इसलिए अफज़ल है कि नज़ुल विलायत अली से मंसूब है ये रात इसलिए अफज़ल है क्योंकि ये रात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वही वसल्लम से मंसूब है क्योंकि कुरान कलब महम्मद पर नाजिल हुआ ये रात इसीलिए अफजल है क्योंकि ये रात जनाब फ़ातिमा तो जहरा सलामल से मंसूब है क्योंकि ललतुल्कद्र का मतलब जनाब फ़ातिमा तो जहरा है ये रात इसीलिए अफजल है क्योंकि ये रात हमारे वक्त के इमाम से मंसूब है ये जो रात इस कदर अफजल है इस कदर फ़ज़ीलत की हामिल है इसके बारे में क्या है कि जब रवायात में है कि रसूल खुदा वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में अपना बिस्तर लपेट देते और अपने इबादत के लिए कमर बांध लिया करते थे और तेईस की शब जो शब कदर है जो रवायात में सबसे ज़्यादा तकीद हुई है इक्कीस और तेईस की रात है जो शब कदर से मंसूब है इन दो रातों में शब कदर को तलाश करो हमारे छठे इमाम इमाम जाफर इस्लाम फरमाते हैं कि 21 और 23 की रातों में शब कदर को तलाश करो यह शब कदर इन दो रातों में से एक रात है और रिवायात में 23 की शब सबसे ज्यादा ताकिद और इसकी सबसे ज्यादा तकीद की गई है कि यही रात शब कदर है और जनाबे रसूल खुदा तेईस की शब अपने अहलो अयाल को बेदार रखते और जनाब फ़ातिमा तो जहरा सलाम अपने किसी घर के फ़र्द को सोने ना देती तेईस की शब को मेरी बीबी अपने तमाम घर के अफराद को बेदार रखती और इसका इलाज नींद का इलाज इस तरह किया करती थी कि दिन में ज़ा कम देती और दिन में कहती कि दिन में सो जाओ ताकि रात बेदार रह सको और मेरी जनाब सैदा फरमाती हैं फातिमा तो ज़हरा सलाम है फ़रमाती हैं कि बदबक है वो शख़्स कि जो इस रात खैर नेकी से महरूम रह जाए तो सामयिन मोहतरम खुदाबंद से दुआ है कि परवरदिगार हमें इस महरूमी से महफूज फरमाना अजीज़ान ये तो इस रत की फजीलत है इस रात की अहमियत है और वह आमाल के जो इस रात में बजा लाने चाहिए वो ने कुब में दर्ज किए हैं इस रात की जो सबसे अहम और सबसे मुश्तरक जो सबसे अमाल हैं सबसे पहला अमल है गसल करना और ये गसल अ मजलसी फरमाते हैं कि ये यहल गरूब आफ्ताब के वक़्त किया जाए और इसी हुसल के साथ नमाज मगरीबैन पड़ी जाए पहला अमल हुसल का है दूसरा अमल है कि दो रकत नमाज़ शब कदर की नीयत से पढ़ी जाए जिसमें अलहमद के बाद सात मरतबा शुर तो पढ़ी जाए दो रकत नमाज शब कदर की नीयत से और इसकी हर रकत में अलहमद के बाद सात मरतबा शुर तो पढ़ी जाए और नमाज़ के बाद सत्तर मरतबा अस्त फिर व अतूब और रसूल खुदा फरमाते हैं कि वो शख़्स अपनी जगह से उठेगा भी नहीं पर दिगार आलम उसकी और उसके वाले के तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देगा तीसरा अमल इस रात का यह है कि इस रात जीरत इमाम पड़ी जाए एक मुनादी अर्श पे निदा करता है कि जो कोई भी शब कदर में इमाम हुसैन की जियारत के लिए आएगा उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर दिया जाएगा और फिर चौथा अमल इस रात का यह है कि कुरान सर पर रख कर दुआ पढ़ने वाला अमल है पाँचवा अमल ये है कि जुआ जोशन कबीर पढ़ी जाए छठा अमल इस रात का यह है कि सुर अनकबूत और शुर रूम पढ़ी जाए और इमाम जाफ़िर इरशाद फरमाते हैं कि बक़सम जो शख्स इस रात में इन दो सूरतों को पढ़ेगा वहले जन्नत में शुमार होगा सातवां अमल इस रात का यह है के एक हज़ार मरतबा सुर कदर पढ़ी जाए आठवां अमल इस रात का ये है कि इस रात में खसूस दुआ इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा अवा हम कल्ले वली जिकल हुन हसन पढ़े नौवां अमल इस रात का ये है कि अवले शब में गसल किया है आखिरी शब में दोबारा गुसल करें रमज़ान की हर रात का गुसल मुस्तहब है लेकिन तेईस की शब ऐसी शब है कि जिसमें दो गुसल मुस्तहब हैं एक अवली शब में और दूसरा आखिर शब में और दसवा अमल इस शब का ये है कि सहीफा कामिला की दुआएं दुआए अखलाक और दुआए तौबा पड़ी जाए शुर हामिम दुखान पड़ी जाए क़र की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए और एक अमल जो सबसे ज़्यादा है वो इस रात का ये है कि सौ रकत नमाज पढ़ी जाए हमारी इमाम जाफर सदक़ल इशात फरमाते हैं कि नमाज इस तरह से पढ़ी जाए कि इसकी हर रकत में सराहमद के बाद दस मरतबा सुर तो पढ़ी जाए अबू बशीर ने पूछा कि मौला अगर मैं ये नमाज़ खड़े होकर ना पढ़ सकूँ तो मौला फरमाते हैं बैठ कर पढ़ लो का अगर बैठ कर ना पढ़ सकूँ तो मौला फरमाते पुश्त के बल लेट कर पढ़ लो तो ये शब कदर के आमाल हैं और अजीज़ा ने मोहतरम ये शब कदर की रात है और इस तरह शब कदर का दिन भी उसी अहमियत और फजीलत का हामिल है ये शब कदर वो रात है जिसमें मुक़दर लिखे जाते हैं जिसमें तकदीर लिखी जाती है कायनात की हर चीज़ की तकदीर लिखी जाती है और ये तकदीर ये उमूर फरिश्ते और रूहुल अमीन हमारी वक्त के इमाम के हजूर पेश करते हैं मैं आखिर में दुआ गो हूँ कि आलम हमें इस रात की इन रहमतों और बरकतों से बहरा मंद फरमा आलम हम उस तरह से इबादत करें जिस तरह हमारे वक्त के इमाम चाहते हैं आजीज़ा ने मोहतरम यह रात चूंकि हमारे वक्त के इमाम से मंसूब है इसलिए कोशिश की जाए कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त के इमाम की ूर की दुआ की जाए और आखिर में मैं ये दुआ करूँगी कि परवरदिगार आलम हम सबको इस माह मुबारक और ख़ास तौर पर शब कदर की इन रहमतों और बरकतों से बहरा मंद फरमा हम सबको वक्त के इमाम के लश्कर में शुमार फरमा आमीन या रकबाओलमी